मकर संक्रांति यानी दही चूड़ा। एक तो महंगाई, दूसरे तरफ बात करें कांकीनाड़ा की तो मिल की तमाम समस्या से लेकर पौर सभा में कर्मचारियों का काम व वेतन की समस्या, फिर भी मनाया जाएगा यहाँ खिचड़ी। देखिए इस विषय पर कांकीनाड़ा बाजार से हमारा ये विशेष कवरेज। दही चूड़ा यानी मकर संक्रांति को लेकर दुकानें लगी हुई है, स्टॉल लगा हुआ है, आइए सीधे दुकानदार से बात करने की कोशिश करते हैं। विशाल कुमार साहब, दुकान में कोई नहीं है? दुकान अभी थोड़ा फाका चल रहा है, थोड़ा सा धूप है ना, खाली इस तरह यहाँ पर माल बचता नहीं है, खाली दुकान के लिए थोड़ा सा माल बना है। क्या नाम हुआ? किशोर कुमार साहब। जी कैसा इस बार बाजार है? बाजार की परिस्थिति ठीक नहीं है क्योंकि लोग को सोर्स ऑफ इनकम का जरिया सही नहीं। फेस्टिवल पहले जिस तरह से मनाया जाता था, इस बार फेस्टिवल नहीं, इस बार कोई खास नहीं है, रौनक बोल के बाजार में नहीं है, बेचा किनारे मंदा है, लोगों के पास पैसे की थोड़ा। रास्ते की इस तरफ चलते हैं और ये तस्वीरें देखें जहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं दुकानदार हैं, और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सभी महिलाएं लाइन लगाकर खड़ी है, मकर संक्रांति को लेकर के यहाँ पर मौजूद हुई है। काफी भीड़ है इस दुकान में, बात करना चाहेंगे इस बार कैसा रहा बाजार? बहुत अच्छा बाजार है इस बार। लीजिए 500 ग्राम। पहले का उपेक्षा? पहले अपेक्षा और बढ़िया है बाजार, बहुत अच्छा है, ग्राहकों का भीड़ है। किस तरह का अपने जो है तिलकुट मस्का बनाया? हमारे यहाँ गुड़ का, तिल चीनी इलायची का तिलकुट है, हमारे पास बादाम पट्टी भी है बादाम का, गुड़ का। कितना सारा देवी तिल खरीदा हो गया? अभी नहीं खरीदेंगे, बता रहे हैं। तो दही चूड़ा कैसे मनाएंगे? होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं मनाएंगे। नंदनी सिंह, बाजार अभी एकदम मस्त है। क्या बोलेंगे, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा बाजार, मीठा है। क्या क्या दुकान में बेच रहे? तिलकुट है, चूड़ा है, मस्का है, कदमा है, पटारी गुड़ है, गुड़ है। ऐसा मतलब पिछले साल की अपेक्षा इस साल भी बढ़िया रहा, इस साल भी बढ़िया है। चलिए बहुत बढ़िया बाजार है इनके लिए, चलिए आगे चलते हैं। बाजार पूरी तरह से सज चुकी है, तमाम जगहों पर ये देख पा रहे हैं कि चूड़ा अलग अलग तरीके का लगा हुआ है, साथ में आप देख पा रहे हैं ये गुड़ है, और आगे अगर बात करेंगे तो तिल भी है, और ये तिलकुट का पैकेट भी है, और सारा सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है। और क्या नाम हुआ? मोहम्मद सलीम। ये जो दुकान लगाए हुए हो और मकर संक्रांति का त्योहार है तो ठीक है, हाँ चूड़ा तिल मुड़ी सब सभी। क्या बोल रहे थे चाचा आप, बोलिए। हम लोग का दही चूड़ा में चलता है, तिलकुट चलता है, लाई चलता है, हर किस्म का जो प्रसाद होता है वो जाता है मकर संक्रांति। हाँ हाँ, मजा आता है, बहुत मजा आता है। यहाँ पे देख पा रहे हैं चूड़े का जो लाट लगा हुआ है चारों तरफ और मस्का से सजा हुआ ये दुकान है। जाता है काकीनाड़ा बाजार में सब कुछ सस्ता है, सस्ता ही मनाया, चूंकि काकीनाड़ा बाजार सस्ता के लिए जाना जाता है, इसीलिए लोग बहुत सारे बाजार से काकीनाड़ा बाजार ही करते हैं। दीपावली हो या मकर संक्रांति हो या तो छठ पूजा हो, ये सब बाजार यहाँ अच्छा ही रहता है। आइटम जो है कि यहाँ पर मस्का वगैरह क्या क्या है? चूड़ा है, मस्का है, गुड़ है, स्पेशल मस्का, स्पेशल मस्का ये धनबाद का दुर्गा तिलकुट है, बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा। कमला देवी क्या खरीद रहे हैं? चूड़ा खरीद रहे हैं, आज तीन संक्रांति खाते रहो, महंगाई तो बहुत है, बाल बच्चा के परम तरसाएंगे, बच्चा का तो नहीं ना तरसाएंगे, तो मनाना है। हाँ मनाना है। आपका कस्टमर जो है वो बोल रहा है महंगाई जितना रहे पैसा आपको देके जा। हाँ पैसा तो कस्टमर देके ही जा रहा है, सब महंगा, ये सस्ता कहाँ से मिलेगा, सब महंगा, महंगाई जो भी हो कस्टमर सामान खरीदेगा। महंगा है लेकिन क्या करे, सब चीज तो महंगा चल रहा है, महंगा लेकिन मनाएंगे, मनाएंगे। हम लोग जा रहे हैं इस वक्त मिठाई दुकान, और दही चूड़ा है, मकर संक्रांति है, तो इस बाजार के इस गली में यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक मिठाई दुकान, और भैया से बात करेंगे। क्या नाम हुआ भैया, थोड़ा बता दे। मेरा नाम इंद्र नारायण साहू, और दुकान का नाम राज लक्ष्मी स्वीट्स। ये देख पा रहे हैं अलग अलग तरह के मस्के जो है वो दुकानों में लगी हुई है, पहले से ये महंगा है हुआ है ना सस्ता हुआ? आगे साल से 20 रुपया। क्या आइटम रखे आप? अभी तो तिलकुट है और घेवर है, यहाँ दो आइटम ही है। दही की अगर बात करें तो कैसे? दही पुराना ही रेट है, 180 रुपए किलो। ये काकीनाड़ा बाजार में इस वक्त उपस्थित है दुकानदार जो है वो यहाँ उपस्थित है, क्या कैसा बाजार चल रहा है? बाजार थोड़ा फीका है, दुकान में तो लोग आ रहे हैं लेकिन उस ढंग का नहीं है जी। स्वागतम स्वीट्स में उपस्थित है, दही चूड़ा यानी दही से रिलेशन इस दुकान का, इस बार किस तरह का जो है कि पर्व में कुछ छूट दे रहे हैं, या फिर दही का रेट हाई हुआ है या फिर कम है? रेट सेम है,
जो रेट है कोई छूट नहीं है, जो रेट है वही रेट है। सभी जगहों पर दुकानें लग चुकी है, लोग खरीदारी में जुट चुके हैं। कल मकर संक्रांति है और ये मकर संक्रांति के दिन ही लोग मनाने के लिए ये खरीदारियों में जुटे हुए हैं। कैमरामैन एमडी हुसैन के साथ मैं रवि कुमार सिंह, 24 घंटा लाइव, धन्यवाद। तो इस बार भी मकर संक्रांति में गंगा सागर में स्नान के साथ साथ सर्वत्र मनेगा कहीं खिचड़ी, कहीं लोहड़ी, कहीं पोंगल तो कहीं दही चूड़ा। आप क्या मना रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, 24 घंटा लाइव। नतून रूपे सेजे उठे नाइस पार्क, ছোট থেকে বড়দের জন্য আনন্দ ও সময় কাটানো ছাড়াও রয়েছে পিকনিক থেকে শুরু করে যে কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ। নাইস পার্ক, দেবক, নৈহাটি।